हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ योर मेंटर राजेश नाग दिवे एंड वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? नाउ दिस सेकेंड लेक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट लेक्चर में हमने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात की थी, और अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने जो आइडिया था वो भी दे दिया था. तो उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. इसी को हम ऑर्डर पेयर में एक्स कॉमा वाई लिखते हैं. अब ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है ना, ये आपने देखा है ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स. ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स आपने एक्स कॉमा एक्स वाई प्लेन में देखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो ये जो पॉइंट होता था इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स होते हैं. लेकिन ये एक्स वाई प्लेन है माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन रियल नंबर सिस्टम में आता है, ठीक है? और ऐसा ही सिमिलर प्लेन ये आर्गन प्लेन कहलाता है. जब हम आर्गन प्लेन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आते, बस ये होता है कि अब इस बार ये रियल एक्सिस हो जाता है और ये इमेजिनरी एक्सिस हो जाता है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है? तो जो y एक्सिस था वो इमेजिनरी एक्सिस है और जो x एक्सिस था वो रियल एक्सिस है. और यहाँ जो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है x कॉमा y, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को. आगे आगे मैं बताऊंगा इसको और आगे कैसे करना है. सेम चीज में जैसे यहाँ होता था ना, यहाँ आपको ये डिस्टेंस y होता था अगर ये y कोऑर्डिनेट है, और ये डिस्टेंस x होता था अगर ये x कोऑर्डिनेट है, करेक्ट है? सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज होगी कि ये जो डिस्टेंस होगा वो x होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो y होगा. तो डेफिनेटली मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से. राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ये डिस्टेंस. तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कहलाएगा जीरो से, और उसी को हम मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड. तो मॉड ऑफ जेड जो हो जाएगा ना वो स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. आपने पेन और कॉपी ला लिया है तो पेन और कॉपी साथ में आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है कि नहीं? एकदम जहां से मैं बताता हूँ वैसे ही आप नोट भी करते जाइए. तो कैसा हो गया, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई में आता है, इसको हम एक्स और वाई. अब ये जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बोला है ना, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी प्रॉब्लम्स है आप में सब में एक ही काम करना पड़ेगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. अब स्टैंडर्ड फॉर्म से दूसरी बात आ जाती है, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? तो क्या हो गया कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है आपका x माइनस आयोटा वाई, अब इसको देखते हैं x माइनस आयोटा वाई. अभी सर आपने बोला है कि x प्लस आयोटा वाई होना चाहिए, है ना? x प्लस आयोटा वाई की जगह तो मैंने x माइनस आयोटा वाई. अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस और ये i के साथ में नहीं, ये माइनस के साथ में y के साथ में माइनस लगाएंगे. तो ये एक्चुअली में डियर स्टूडेंट z बार यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो इसको मैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड बोलूंगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इसको बोलूंगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड. और ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई. अगर एक्स प्लस आयोटा वाई जेड है तो उसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई, मतलब इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देना है. पहले इमेजिनरी पार्ट प्लस वाई था, अब इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है. इस माइनस को यहां ला सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये है. और बाद में फिर ऐसे लिख देते, थोड़ी देर के बाद में हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये सारी चीजों में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, क्या चीज है. तो फिर ये चीज किया जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप नोट कर लीजिए. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नोट करते जाइए. z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, पेन और कॉपी ले लीजिए, नोट कर लीजिए. अब सारा काम आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ता है, मतलब जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए.
इसी को हम ऑर्डर पेयर इलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑर्डर पेयर इलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब यहाँ एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर इलिमेंट जो हमने एक्स वाई प्लेन में देखा था, एक्स वाई प्लेन जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये होते हैं और यहाँ जो भी पॉइंट होता था उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते थे और उसको हम बोलते थे ऑर्डर पेयर इलिमेंट्स। अब ऑर्डर पेयर इलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ कि जो पहला इलिमेंट है वो एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा जो इलिमेंट है वो वाई से, मतलब फर्स्ट इलिमेंट और सेकेंड इलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है तब जाके वो, इसीलिए वो ऑर्डर्ड पेयर बोला गया। ऑर्डर्ड अगर ये कोई चीज नहीं, फर्स्ट क्या है ना सेकंड क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिंपली ब्रैकेट है, सिंपली ब्रैकेट ब्रैकेट में वन और टू है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर होने से ये फर्स्ट एलिमेंट एक खास चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड एलिमेंट जैसे एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए वो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। तो अब ये ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है आर्गन प्लेन में, किसमें, आर्गन प्लेन में। आर्गन प्लेन में जो पहले एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस होता था वो रियल एक्सिस कहलाएगा और जो वाई एक्सिस होता था वो इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा, करेक्ट है कि नहीं। और ये ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, और बाकी चीजें वैसी चल रही है। अब मैंने ये बताया कि ये अगर एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है तो ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा जो हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई प्लेन में, और ये डिस्टेंस वाई हो जाएगा। तो यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा तो स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसको हम जेड का डिस्टेंस बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसी के ऊपर फोकस करते हैं। ये बोर्ड लेवल की टीचिंग और जेई टीचिंग में यही डिफरेंसेस आता है, करेक्ट है कि आप किस वे में उस चीज को स्टडी कर रहे हैं। तो मैं जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया, इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट है कि नहीं। अच्छा साहब, तो अब जैसे बोला ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जेड का मॉडुलस है। अब मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आपने वहां पढ़ा है, मॉडुलस वो जैसे ही है जैसे मॉडुलस नॉन नेगेटिव होता है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी नॉन नेगेटिव होगा, इसीलिए इसको मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट किया है। तो मॉड ऑफ जेड एक्चुअली में डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, ये सेंटर पॉइंट या ओरिजिन जीरो से, करेक्ट है, जो दिया जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स कॉमा वाई है, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, अब खास बात इसमें क्या आएगी कि ये जो डिस्टेंस है वो नॉन नेगेटिव है, तो यहां से देखना, यहां से आप मॉड ऑफ जेड का स्क्वेयर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये दोनों आपके एक रियल नंबर है, दोनों क्या है, रियल नंबर, करेक्ट है। तो क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर सब साथ साथ चलने वाले हैं, इसलिए ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। अब इसका कहाँ इंपॉर्टेंस आएगा वो आगे धीरे धीरे मैं बताता हूँ। तो अब आप दूसरा चीज को देखेंगे, नोट कर लिया होगा कि मैंने अभी ये लिखा है जेड बार, ठीक है। अब ये जेड बार के कॉन्सेप्ट में भी आ जाते हैं, जेड बार के कॉन्सेप्ट में कैसे आते हैं। अब आप देखिए आर्गन प्लेन बना रहा हूं, ठीक है, ये वाला पॉइंट एक्स कॉमा वाई मतलब जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है, जो अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस, करेक्ट, एक्स वाई प्लेन में। अभी हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बोल दिए तो अब ये आर्गन प्लेन हो गया, आर्गन प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है साहब। अब ये वाला पॉइंट है x कॉमा वाई, तो डेफिनेटली ये आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा y और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका x, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, ये चीज को देख लिया। फिर ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस अब आपका आ गया मॉड ऑफ जेड, ये डिस्टेंस क्या आ गया आपका मॉड ऑफ जेड, और मॉड ऑफ जेड क्या आ गया, मॉड ऑफ जेड आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है साहब। तो ये एक चीज देखा, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट है। और उसको अब मॉड ऑफ जेड है तो एक नया नाम दे देते मॉडुलस ऑफ जेड, क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है सब।
बड़े ये फंडामेंटल है, ये पहले से ही मालूम होता है। अच्छा, अभी जबकि मैंने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ये बहुत फंडामेंटल्स है। अब आप देखेंगे, अगर मैं ये पॉइंट्स की बात करूं, ये एक्स कॉमा वाई है, तो ये वाला पॉइंट एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा सेम डिस्टेंस पे। मतलब अब अगर डिस्टेंस की बात करूं तो ये वाई होगा और ये डिस्टेंस एक्स होगा, करेक्ट है? ये डिस्टेंस एक्स और ये डिस्टेंस वाई, वाई है लेकिन नीचे में फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट माइनस वाई होगा, एक्स कॉमा माइनस वाई, करेक्ट है कि नहीं? लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो तो वाई है, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट माइनस वाई है। और ये अब डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये डिस्टेंस भी आपका स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ही होगा, करेक्ट है कि नहीं? और अब आप देखते दूसरा पॉइंट, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आयोटा माइनस y, मतलब x माइनस आयोटा y। ये इमेजिनरी नंबर आएगा तो ये i के साथ में जाएगा, तो i के साथ में चले गया माइनस y, इसी को मैं बाहर ला लिया x माइनस y। अब ये अगर z है ना तो इसको हम ऐसे बोलते हैं z कॉन्जुगेट, और z के ऊपर मैंने बार लगा दिया तो ये कॉन्जुगेट है, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z। लिखो कॉन्जुगेट ऑफ z, ये कॉन्जुगेट ऑफ z है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट ऑफ z है। तो अब आप देखेंगे तो मॉड ऑफ z भी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आया, और z कॉन्जुगेट भी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आया। मतलब z का मॉडुलस और कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों सेम होते हैं, करेक्ट है? हाँ, लिख लिया। तो z का मॉडुलस और माइनस, अच्छा दूसरा xy प्लेन में आते हैं, xy प्लेन में क्या था, ये x कॉमा y और x कॉमा माइनस y। अब एक वर्ड दे रहा हूं, इमेज, इमेज है, एक दूसरे की इमेज है, इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये है, लेकिन मिरर कौन है, बीच में मिरर है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट में एक्स कॉमा वाई इमेज है एक्स कॉमा माइनस वाई का, या एक्स कॉमा माइनस वाई इमेज है एक्स कॉमा वाई का। सो दिस टू पॉइंट्स आर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द मिरर एक्स एक्सिस, अबाउट द मिरर एक्स एक्सिस। बीच में मिरर कौन है, ये मिरर है, ये बंदा इस मिरर में अपनी इमेज देख रहा है, ये आ रही है, सही है, ये बंदा अपनी इस मिरर में अपनी इमेज देख रहा है, ये आ रही है इमेज। तो एक्स कॉमा वाई और एक्स कॉमा माइनस वाई एक दूसरे के इमेज है अबाउट एक्स एक्सिस, बीच में मिरर कौन है, एक्स एक्सिस है। तो अब ये तो हो गया इमेज की बात एक्स वाई प्लेन में, किसमें, एक्स वाई प्लेन में, रियल नंबर सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम में। मैंने बोला था रियल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बराबर साथ साथ चलेंगे, डिफरेंशिएट प्रॉपरली करना है। अच्छा साहब, अब आते हैं आर्गन प्लेन में। आर्गन प्लेन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार है। आर्गन प्लेन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार है, और जेड बार और जेड ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट। तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड बार को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ जेड। और कॉन्जुगेट ऑफ जेड कैसे निकलता समझ में आएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है इमेजिनरी पार्ट, जैसे प्लस वाई है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस वाई। अगर इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है तो फिर इसका कॉन्जुगेट, देखो अगर ये कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे, जेड कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट कर रहे हैं, मतलब जेड आ रहा है, जेड कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि जेड और जेड बार एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो जब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ नेगेटिव हो जाता है, और जब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो इमेजिनरी पार्ट वहां कॉन्जुगेट में पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां से एग्जाम्पल आ गया, बोलो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए थ्री आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो गया टू माइनस थ्री आयोटा, उल्टा चलिए इसका कॉन्जुगेट बोलो, इसका कॉन्जुगेट ये हो गया, करेक्ट है, इसका कॉन्जुगेट ये और इसका कॉन्जुगेट ये, तो 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो सिंपली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रियल पार्ट है ना, वो रियल पार्ट में चेंज नहीं आ रहा, रियल पार्ट का कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो जब हम कॉन्जुगेट निकालते तो, करेक्ट है। अच्छा साहब, ये बात हो गई, नोट कर लिया, ठीक है, साथ साथ में ही नोट करना, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लेना है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बताना, ये तो कॉन्जुगेट की बात हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बार बार यूज होने वाला है आगे भी वो ये होगा,
जेड इन टू जेड बार, ये एक रियल नंबर आता है, ये रियल नंबर आता है। एक तो ये बात, पहली बात ये नोट करो, इसको बोलने का तरीका ये, जेड इन टू जेड बार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट है क्या? हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये दोनों को, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते तो काय में कन्वर्ट हो गया रियल नंबर में। अच्छा साहब इसी को देखो, अभी मैंने किया था जेड इन टू जेड बार, ठीक है, जेड इन टू जेड बार, तो ये तो आया था स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये आया था स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, दोनों सेम आए थे, और वो आया था स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रियल नंबर है, तो ये एक्चुअली में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो जेड इन टू जेड बार एक रियल नंबर आ रहा है, और वो रियल नंबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, वो रियल नंबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, करेक्ट है कि नहीं? ऐसे बस उनमें रियल नंबर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा अभी आपने देखा था कि मॉड ऑफ जेड स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, फिर मैंने बोला था कि मॉड ऑफ जेड स्क्वेयर है एक्चुअली में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आएगा, करेक्ट है क्या? तो यहाँ आप देखिए ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, मतलब तीसरा चीज इसी में जेड इन टू जेड बार एक्चुअली में मॉड ऑफ जेड का स्क्वेयर होता है। मैंने एक ही प्रॉपर्टी को तीन तरीके से लिखा है, देख लीजिए इसमें क्या बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ रियल नंबर आ रहा है, कब? जब ये z इंटू जेड बार, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते तो रियल नंबर आता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका कहाँ यूज होगा वो मैं बताऊंगा। दूसरा यहाँ z इंटू जेड बार उसी को मैंने बोला है कि ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, अगर जेड एक्स कॉमा वाई है या फिर जेड एक्स कॉमा वाई हो गया तो जेड बार एक्स कॉमा माइनस वाई होगा, करेक्ट है। और जहां इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ में आई लगा देते तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, गॉट द पॉइंट? ये बात हो गई, ठीक है साहब। तो जेड इंटू जेड बार को हम मॉड ऑफ जेड स्क्वेयर भी लिखते हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स को कैसे यूज करना है इस कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में, ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, प्लीज नोट इट। अच्छा साहब ठीक है, तो अभी नोट कर लीजिए, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, इसको मॉडुलस ऑफ जेड बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड, ये वापस रिपीट होगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा साहब हाँ, और ये जेड बार को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ जेड, करेक्ट, ठीक है नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो इसका कॉन्जुगेट जेड बार, ये चीजें और आगे बढ़ेगी लेकिन ये बहुत फंडामेंटल है, बहुत स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाती है। चलिए आपने नोट कर लिया, कोई इशू नहीं। तो अब क्या हो गया कि कुछ चीजें जो आप लोगों ने देख ली है, अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं और निकाल रहा हूं, कि पहला कि आपने z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और ये x कॉमा वाई, इसको तो आप रियल पार्ट ऑफ z बोलते ऐसे, और इसको आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते, ठीक है कि नहीं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है मतलब इसके साथ में आई आएगा, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा, उल्टा चलो x कॉमा वाई, तो x रियल पार्ट है तो x प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है और उस इमेजिनरी पार्ट है इसलिए इसके साथ में कौन आ गया? आई, बात समझी? बस खत्म। अच्छा साहब अब इसीलिए यहां से एक पॉइंट, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, तो रियल पार्ट ऑफ जेड होने से जेड क्या हो जाएगा? जेड सिंपली आयोटा वाई हो जाएगा, दैट इज प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, ये प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब प्योरली मैंने क्यों बोला है उसको भी बता देते हैं, प्योरली इसलिए बोला बेटा क्योंकि ये देखो ये रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट में, तो ये ना तो प्योरली रियल है ना तो प्योरली इमेजिनरी, आप इमेजिनरी बोल सकते हैं इस पूरे को, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इमेजिनरी नंबर हो गया, तो ये प्योरली इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट नहीं है। अच्छा दूसरा, इफ इमेजिनरी पार्ट जिसको हम ऐसे आई एम से लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, मतलब जेड इक्वल टू एक्स, मतलब ये प्योरली प्योरली रियल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसी से प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर से एक बात समझ में, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जितने भी रियल नंबर है उन सबको अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो उनका इमेजिनरी पार्ट जीरो लिख लेना, टू
टू को मैं लिख सकता हूँ टू प्लस आयोटा जीरो, थ्री थ्री प्लस आयोटा जीरो, माइनस थ्री प्लस आयोटा जीरो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो जितने भी रियल नंबर्स है वो सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब सबसे बड़ा अभी तक के हमने देखा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, ये सब रियल नंबर होते थे सबसेट्स के टर्म्स में। तो रियल नंबर भी सबसेट हो गया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का। तो सबसे बड़ा सिस्टम कौन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, इसके आगे कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी अभी तक की हमको। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि रियल पार्ट जीरो हो गया जेड का, तो वो प्योरली इमेजनरी होता है। अगर इमेजनरी पार्ट जीरो हो गया जेड का तो वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका मतलब जो एवरी रियल नंबर है वो सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रियल नंबर सिस्टम भी सबसेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम सुपरसेट हो गया। तो सबसे बड़ा सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, और इसीलिए ये वाला कोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अब रियल नंबर में जितनी भी आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, अलजेब्रा पढ़ा है, वो सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। वापस से इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम आएगा, सेक्शन फार्मूला आएंगे, ये सारे चीजों को यहाँ पढ़ना पड़ता है डियर स्टूडेंट। बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस कोर्स बिकम्स डिफिकल्ट जब हम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में यह सारी चीजों को पढ़ना चाहेंगे, ठीक है कि नहीं। ओके फाइन, तो ये हो गया, नोट कर लिया होगा, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा साहब, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना, कभी आप इसको कंपेयर करें टू बाई थ्री और जैसे मैंने थ्री बाई टू, अब इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू वाले अपना लेस देन होगा ये नहीं बात कर सकते। ग्रेटर देन और लेस देन वाली ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई होगी, मतलब यहां नोट करेंगे, वी कैनॉट, नोट करो, वी कैनॉट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है टू प्लस थ्री आयोटा इज ग्रेटर देन फाइव तो ये बेकार है, रॉन्ग है, टू प्लस थ्री आयोटा इज ग्रेटर देन फाइव। तो अभी क्या होगा कि कंपेरिजन की जब बात आएगी तो उसको कंपेयर नहीं कर रहे हम, ठीक है। अच्छा साहब, तो वी कैन नॉट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स में आपने कौन सा ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स बड़ा है या कौन सा ऑर्डर पेयर एलिमेंट छोटा है ये आपने कभी नहीं देखा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए x प्लस आयोटा वाई, तो उसमें रियल पार्ट भी है इमेजनरी पार्ट है, ओवरऑल आप उसको इमेजनरी नंबर बोल सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं। हाँ ठीक है साहब, अच्छा ये चीज हो गई। अब आते हैं ऑपरेशन के ऊपर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फिर छोटी चीज पे आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर z1 एक a प्लस नंबर है और z2 c प्लस आयोटा d है, तो z1 प्लस z2 होगा ना, इसके रियल पार्ट को ऐड कर दीजिए a प्लस c, और फिर इसके इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दीजिए, i कॉमन आएगा b प्लस c, बस हो गया। और आप देखेंगे ये z1 प्लस z2, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर के, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसका मतलब z1 प्लस z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब एडिशन जो ऑपरेशन है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज नंबर वन, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो इट फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी। और दूसरी आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा ये। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जेड वन प्लस जेड टू ये आया, अगर मैं जेड टू प्लस जेड वन करूंगा, जेड टू प्लस जेड वन करूंगा तो सी प्लस ए हो जाएगा और प्लस आयोटा डी प्लस बी हो जाएगा। लेकिन अब सी प्लस ए रियल नंबर में ए प्लस सी भी होता है, करेक्ट है, प्लस ये डी प्लस बी को मैं बी प्लस डी लिख दूंगा, तो ये वापस से z1 प्लस z2 हो जाएगा, मतलब ये z1 प्लस z2 बोलो या z2 प्लस z1 बोलो, सेम है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही ये डियर स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा,
एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ को कैसे फॉलो करेगा, मतलब अब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, तो पहले दो किसी को भी ऐड कर लीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे में ऐड कर दीजिए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि आप पहले दो वाले को ऐड करें, पहले ऐसा नहीं, आप पहले दो को ऐड करें और फिर तीसरे में ऐड करें, या लास्ट वाले जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको पहले ऐड कर लीजिए और तीसरे में ऐड कर लीजिए, मतलब इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। हाँ, अब यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको चेकआउट करते हैं। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर, लिखिए फोर्थ वन, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट चल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ये चीज पे आ गए, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? हाँ, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में आप ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं है, तब इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। सोच के बताओ, जैसे रियल नंबर सिस्टम में आपने एक नंबर ले लिया, जैसे मैंने फाइव ले लिया, तो फाइव में कौन सा रियल नंबर ऐड करते थे तो फाइव में कोई चेंज नहीं आता था, एग्जैक्टली जीरो। तो यहां पर भी वही बात होगी, जीरो, जीरो को अगर आप ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में तो जेड में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर सिस्टम में भी, रियल नंबर सिस्टम में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, वैसे ही जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, ये नोट करके रखेंगे प्लीज। अच्छा सर, और वो कैसे ऐड होगा आपको मालूम है? जैसे मैंने ए प्लस आयोटा बी लिख दिया जेड को, और इसको आप लिखेंगे जीरो प्लस आयोटा जीरो, करेक्ट है कि नहीं? ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज को नोट करेंगे, जो जीरो है ना वो जीरो प्लस आयोटा जीरो, इसको देखना ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजनरी, प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजनरी, बोथ होगा ये दुनिया में इकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है। अभी तक की मैंने अभी आपको बोला था कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये जीरो में आप देखेंगे, जीरो में तो रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजनरी पार्ट भी जीरो है, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो है, तो अब इसको क्या प्योरली रियल बोले या प्योरली इमेजनरी बोले? आप प्योरली रियल भी बोल सकते हैं, प्योरली इमेजनरी बोल सकते हैं। तो ये एक इकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो प्योरली रियल है और प्योरली इमेजनरी, ये दोनों है, करेक्ट है? हाँ, एक तो ये बात, ठीक है साहब। इसमें आते हैं तो देखो, a प्लस जीरो करेंगे तो ये वापस से a आ जाएगा, और i b प्लस जीरो करेंगे तो ये वापस से i आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो जीरो क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जीरो देखो प्योरली रियल है एज वेल एज प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिए प्लीज। और अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं आ रहा हूं, ठीक है। एक तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और फिर पांचवा फिर से इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स की जब हम बात करेंगे तो अब आप देखेंगे जेड में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करे कि वो उसके आइडेंटिटी को दे दे, तो जेड में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप रियल नंबर सिस्टम से निकाल सकते हैं। टू में ऐसा कौन सा रियल नंबर ऐड करते हैं जिससे कि आपको टू प्लस कौन सा रियल नंबर करते हैं जिससे कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है रियल नंबर सिस्टम में, वैसे ही जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो जेड प्लस यहाँ पे देखते टू प्लस माइनस टू करते थे तो माइनस कर देंगे तो आपका वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी माइनस जेड, तो ये माइनस जेड आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। अब ये दो वर्ड देखना, एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव इनवर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी आता है, ठीक है। हाँ, तो अब अगर मान लीजिए मैंने बोला
टू प्लस थ्री आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बोलो, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? यस ऑफ कोर्स एडिटिव इनवर्स, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, टू प्लस थ्री आयोटा मतलब माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, ये होगा ठीक है एडिटिव इनवर्स। और ऐसा है टू माइनस थ्री आयोटा का एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसको माइनस कर दीजिए, टू माइनस थ्री आयोटा मतलब माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा, करेक्ट है। कैसे एडिटिव इनवर्स निकालने समझ में आ गया, और एडिटिव इनवर्स में कैसा हो गया, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके एडिटिव इनवर्स को अगर जेड में ऐड करते हैं तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब जेड प्लस माइनस जेड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए, नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है बस हो गया, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो अलजेब्रा थी वो हमने इसमें यहाँ फिनिश कर लिया, यहाँ कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल होंगे। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं मैं, टू प्लस थ्री आयोटा, अब माइनस की भी बात करेंगे, थ्री माइनस टू आयोटा प्लस टू आयोटा। अब देखिए जेड वन प्लस जेड टू आपने एडिशन देखा तो अपने आप माइनस वाला ऑपरेशन भी आ जाएगा, जेड वन माइनस जेड टू मतलब वो प्लस करेंगे नेगेटिव को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो एडिशन का ऑपरेशन है वही सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, कोई इशू नहीं। तो अब आप क्या करो, रियल पार्ट को पहले ऐड कर लो, ये टू फिर ये माइनस थ्री और ये प्लस जीरो, इसका तो रियल पार्ट जीरो है। और अब आते प्लस यहाँ आयोटा, अब आते यहाँ थ्री, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू बनेगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे है आपका प्लस टू है, तो ये आ गया आपका माइनस वन और थ्री दो पांच दो सात, माइनस वन प्लस सेवन आई, आई इंटू सेवन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन प्लस सेवन आई, तो ये हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। और सबके सब स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, जो फाइनल आंसर आएगा ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। फाइनल आंसर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? हाँ ठीक ओके फाइन, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं, हाँ टेन माइनस फाइव आयोटा और माइनस सेवन प्लस फाइव आयोटा प्लस टू प्लस थ्री आयोटा, इसको चेकआउट कर लीजिए। तो अब आप क्या करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले रियल नंबर की बात करते हैं, टेन ये हो जाएगा माइनस सेवन, ये हो जाएगा प्लस टू, ठीक है कि नहीं? प्लस लिख दीजिए, प्लस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब यहां लिखते यहां माइनस फाइव है तो ये माइनस फाइव, यहाँ पे प्लस फाइव है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वापस क्या आएगा माइनस फाइव, और यहाँ पे क्या है प्लस थ्री है, हो गया आपका काम खत्म, टेन माइनस सेवन थ्री मतलब फाइव आ जाएगा प्लस आयोटा। और यहाँ देखिए माइनस टेन प्लस थ्री कितना है माइनस सेवन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस सेवन आयोटा, ऐसे भी लिख सकते, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, एडिटिव इनवर्स माइनस जेड, क्लियर है ठीक है। इट फॉलोज ऑल द बेसिक लॉस, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन, दोनों सेम आएंगे। इट फॉलोज कमुटेटिव ला, इट फॉलोज एसोसिएटिव ला, तीन नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हो गया, करेक्ट है कि नहीं? फाइन, तो बेटा ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें इतना ही चीज दिया हुआ है ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, और वो होगा आपका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद कर। अब दूसरा ऑपरेशन मैं चेक कर रहा हूँ, दो ही ऑपरेशन होते हैं भाई, मल्टीप्लीकेशन देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली डिवीजन हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। जैसे ये z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो गया और z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d हो गया। अब अगर मैं z1 इंटू z2 करूँ तो a प्लस आयोटा b
और ये हो जाएगा c प्लस आयोटा d। अब क्या करो, a को पहले मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस आई इंटू ए डी ए, फिर प्लस आई, अब इसको मल्टीप्लाई करा और आई इंटू बी सी, फिर इसको मल्टीप्लाई करा, तो ये आई स्क्वायर बी डी। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो आपको मालूम है, ये होती है माइनस वन, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा ए सी। अब ये दोनों में आई कॉमन है तो आई कॉमन ले लीजिए, प्लस आई ए डी प्लस बी सी और ये माइनस बी डी हो जाएगा। अब ये ए सी और माइनस बी डी आपके एक साथ ले लीजिए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, प्लस आई और ये ए डी प्लस बी सी। तो अगर आप ये देखिए तो ये तो रियल पार्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ये रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। मतलब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, करेक्ट है कि नहीं। और मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, ऐसे करना है और डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चाहे तो आप ये रूल्स को याद रख सकते हैं, याद रखने का तरीका भी बताता हूँ। देखो, ए को सी से मल्टीप्लाई करो, बी को डी से मल्टीप्लाई करो, यानी नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया, ए सी माइनस बी डी कर दो, ए सी माइनस बी डी आपका रियल पार्ट हो जाएगा, सही है। और फिर इमेजिनरी पार्ट में आते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई करो और बी को सी से मल्टीप्लाई करो, तो ए डी, लेकिन इस बार माइनस नहीं करेंगे, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो ये भी तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालने का, आपको मैंने तरीका बता दिया, अदरवाइज आप इस हिसाब से कर सकते हैं, याद नहीं रहा तो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते वो हमने देख लिया, और अब देखते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, फिर कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा मतलब z1 into z2 या z2 into z1 दोनों सेम आएंगे, वैसे ही ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा मतलब z1 into z2 into z3, किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई इशू नहीं, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, और ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है, प्लीज नोट इट। फिर आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बोला कि पेन और कॉपी आप नोट करके रख लीजिए, अच्छा सा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ गए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, हाँ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अभी मैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, तो इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करूं कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप इसको रियल नंबर सिस्टम से ऐड कर लीजिए, टू में आप क्या मल्टीप्लाई करते थे कि जिससे टू में कोई चेंज नहीं आता था, डेफिनेटली वन मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका मतलब जो वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर सिस्टम में है, वही वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी है, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, करेक्ट है। तो वन क्या आ गया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, दो चीजें हो गई बेटा, एक तो जीरो और दूसरा वन। ये जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, साथ में लिख लेना इसको भी, एडिटिव आइडेंटिटी है। और वन क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, मतलब जीरो को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन है मतलब वन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो ये क्या हो गया, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी, वन क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, कोई इशू नहीं है, चलिए प्लीज नोट इट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद में फाइनली फिफ्थ पॉइंट पे आ गए, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो क्या है वो अब बताते हैं, डेफिनेटली अब इसको इंपॉर्टेंस कर लीजिए, क्या चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। फिफ्थ वन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इवन जेई में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो जेड में हम ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आए,
आइडेंटिटी कौन सी, मल्टीप्लीकेटिव, ये आ रहा है। अब आप इसको चेकआउट करेंगे, क्या आ गया यहाँ पर कि जेड में ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड करना है जिससे कि वो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आ जाए, तो डेफिनेटली वन अपॉइंट जेड होगा, ये वन अपॉइंट जेड, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा वन, तो वन अपॉइंट जेड को हम जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। लेकिन अब आप देखेंगे वन अपॉन जेड डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, अगर हो सकता है समटाइम्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अगर खुद कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, खुद कॉम्प्लेक्स नंबर वन अपॉन जेड है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जेड होगा, तो उस टाइम पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन अब बात समझ में, हाँ, तो अब वन अपॉन जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अब इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। ठीक है, फिलहाल तो हम ये नोट कर लीजिए कि जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन अपॉन जेड होगा। तो अब देखिए व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ टू प्लस थ्री आयोटा, तो आंसर आ गया है वन अपॉन टू प्लस थ्री आयोटा, करेक्ट है। लेकिन वन अपॉन टू प्लस थ्री आयोटा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये अभी अधूरा आंसर है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, टू प्लस थ्री आयोटा, करेक्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका। अब टू प्लस थ्री आयोटा तो नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए डिनोमिनेटर में रियल नंबर लाऊंगा, और रियल नंबर कब होगा, अब आप देखिए टू प्लस थ्री आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये एक रियल नंबर बन जाए। अगर आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर तो नहीं आएगा, वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, है कि नहीं। तो अभी अभी तो इसके पहले मैंने स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था जो बड़ा वाइड रोल प्ले करता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रियल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से, क्योंकि कॉन्जुगेट z इंटू जेड बार एक रियल नंबर आता है ना, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, z इंटू जेड बार ये एक रियल नंबर आता है, इसलिए तो मैंने इसके इंपॉर्टेंस को बताया था, z इंटू जेड बार रियल नंबर आता है, हालांकि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, बाद में वो उसको उस सेंस में बात नहीं करेंगे, बस इस सेंस में मेरे को बात करना था कि z को अगर z बार से मल्टीप्लाइड करते तो वो रियल नंबर कन्वर्ट होता है। तो चूंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 2 प्लस 3 आयोटा को 2 माइनस 3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट होगा इसका, कॉन्जुगेट क्या है वो भी समझ में आ गया। तो बेटा इसको तो बैलेंस करना है, आपने जबरदस्ती यहाँ मल्टीप्लाइड किया, तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी तो 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड किया है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड किया, तो अब ये पूरा रियल नंबर आ जाएगा, नीचे वाला पूरा रियल नंबर आ जाएगा। चलिए रियल नंबर आ जाएगा तो कैसा आएगा, ये बोलिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और अब इसको आते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ये हो जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, करेक्ट है। अब आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1 होता है, तो इसको प्लस बना देगा, 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 9 मतलब 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5। अब ये देखिए ये रियल नंबर हो गया, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, 2 बाई 5 अलग प्लस आयोटा माइनस 3 बाई 5 अलग, अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट इसीलिए जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने वाले प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेंट है, कि अगर 2 प्लस 3 आयोटा का मेरे को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो डेफिनेटली 1 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा तो है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका ये होगा क्योंकि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने नहीं बोला कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन फिर वही बात स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगा और फिर आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो फाइनली मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये आ गया। ठीक है, तो टाइम ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ हमने एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ये दो कॉन्सेप्ट, दो अलजेब्रा हमने यहाँ पे चेकआउट किया। कल मैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करूंगा, जिससे क्वेश्चंस श्योरली आते हैं, इस बार भी जेईई मेंस में आए हैं।